फ्रेंड माई सेल्फ राजेंद्रा, अभी मैं फर्स्ट टाइम ट्यूटोरियल वीडियो बनाने जा रहा हूँ, वो भी बाय यूजिंग ग्रिड मेथड। मैं कौन से पेपर यूज करता हूँ वो भी आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। अभी देख सकते हैं लोटस का है, A4 साइज है, जिसका लंबाई रहता है 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई रहता है 21 सेंटीमीटर। वन साइड इसका काफ़ी स्मूथ रहता है और दूसरे साइड में हल्का रफ टाइप का होता है। अभी हमें स्मूथ साइड में करना है क्योंकि हमें साइडिंग करते वक्त अच्छा स्मूथ होना चाहिए। तो ये देखिए 1 सेंटीमीटर के गैपिंग में हमें करना है। तो ये बिना टाइम गवाए ये करते हैं स्टार्ट। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि मैं ग्रिड मेथड यूज करने वाला हूं, जिसका लंबाई है 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 21 सेंटीमीटर। तो मैं उसी पेपर का टॉप और बॉटम में डॉट डॉट लाइन खींचूंगा और उसके बाद में उसे जोड़ूंगा। तो देखिए मैं डॉट डॉट लाइन खींच चुका हूं, अभी मैं उसी डॉट डॉट लाइन को जोड़ रहा हूं। तो अभी मैं चौड़ाई जोड़ रहा हूं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं स्केल की सहायता से खींच रहा हूं। अभी लंबाई भी जोड़ रहा हूं। तो हमें क्या करना है कि पहले लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ लेना है और तभी ही जोड़ के हम उसे अच्छी तरह जूम करके भी अच्छे से ही बना सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं एक मोबाइल भी साइड में रखा हूँ, उसे जूम करके आउटलाइन जिस नंबर पे मोबाइल में है लास्ट पर वही अंतिम वाला लाइन मैकेनिकल पेंसिल के सहायता से खींच रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग भी ऐसे ही खींचते जाइए, एक एक लाइन बारीकी से देखिए, थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो सकता है तो बनाते वक्त हम इम्प्रूव कर लेंगे। तो अभी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं लिप्स का आउटर लाइन कंप्लीट कर चुका हूं, तो ये थोड़ा यूनिक है। आप जैसे देख रहे हैं लिप्स का आउटर लाइन खींच चुका हूं, तो टंग आप जैसे देख रहे हैं थोड़ा अमेजिंग लग रहा है, उसमें फ्रॉग का स्ट्रक्चर है। तो मैं वो भी बना रहा हूँ जूम करके, आप जैसे कि देख रहे हैं सेम टू सेम हमें कोशिश यही करना है कि उसी उससे ज़्यादा बड़ा ना हो। तो जूम करके अच्छे से बारीकी से देखिए, ऑब्जर्व करिए और बनाने का कोशिश करिए। तो मैं अभी टंग का कर चुका हूँ, तो सो टीथ का भी वैसे ही सेम टू सेम 1 सेंटीमीटर लंबाई 1 सेंटीमीटर चौड़ाई है, उसको भी जूम करके ऑब्जर्व करिए और अच्छे तरीके से कहीं पर फर्क ना हो उसी बक्स में जहाँ जहाँ पर अभी आप देख रहे हैं मोबाइल में आउटर लाइन दिख रहा है वैसे हमें भी बनाना है। तो अभी उतना अच्छा नहीं लगेगा, लास्ट में बनाते वक्त जब पेंसिल से बनाएंगे तो काफ़ी रियलिस्टिक दिखेगा, अभी तो रफ फिगर है सो इतना अच्छा नहीं दिखेगा। तो हमें पहले इसलिए हम रफ फिगर पहले बनाते हैं कि कुछ मिस्टेक हो तो उसे इरेज कर सकें
और अभी ही सुधार लें तो मैं अपर साइड का बना चुका हूँ, लोअर का भी। Toast to fucking up.